हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और कैसे हैं आप लोग? तो आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा मीशो से आज एक कुरियर आया है और मैं इसको खोल के दिखाती हूँ कि मैंने क्या ऑर्डर किया था। तो इसको खोलते ये रहा ज्वेलरी बॉक्स। मैंने एक इयररिंग बुक किया था, तो मैं इसको खोल के दिखाती हूँ ये कैसा है। ओ माय गॉड, ये कितना प्यारा है। ये आप देखो, ये मैंने 160 रुपये में बुक किया था और ये जैसा स्क्रीन पे दिख रहा है था मुझे, ये एग्जैक्ट वैसा ही है। और मैं इसको पहन के दिखाती हूँ। ओह माय गॉड, वाह, इतना प्रिटी लग रहा है ये। एक बात कहनी पड़ेगी मीशो वालों को कि आपकी जो ज्वेलरी की क्वालिटी है बहुत ही बेस्ट है। मतलब मीशो पे जो डीलर हैं उनको बोल रही हूँ मैं कि आपकी ज्वेलरी की जो क्वालिटी है बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है। कभी कभी लो क्वालिटी की निकल जाता है, लेकिन मोस्टली जो जब जब मैंने बुक किया है तब तक बहुत अच्छा है। गुनगुन देखना कैसा है इयररिंग, बहुत प्यारा है। तेरा हो गया अब। गुन्नू कह रही है ये मेरा हो गया है अब, ये इतना प्यारा लग रहा है। गुन्नू को बहुत पसंद आया ये। ये एक्चुअली सिल्वर में है, ये सिल्वर में है और इसका जो बैक है ये ऐसा है, हुक वाला नहीं है। इसको लग कान में ऐसे अप्लाई करके फिर इसको ऐसे पुश कर देना है, तो ये आपके इसके साथ चिपक जाएगा जिससे कि ये गिरने का डर नहीं है। और ये वाकई में बहुत खूबसूरत पीस है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत पीस है। अगर आपको इसको बाय करना है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी और आप ले सकते हैं। मुझे तो ये बहुत प्यारा लगा, बहुत बहुत बहुत। मेरा मन कर रहा है अभी मैं फिर से कुछ और बुक कर लूँ। और सबसे बड़ी अच्छी बात ये है कि इसके साथ ये लोग बॉक्स देते हैं जो हमें अलग से नहीं लेना पड़ता है, तो ये बहुत अच्छी बात है, हमें अलग से इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है। आज मैं बना रही हूँ राजमा, क्योंकि गुन्नू का खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था। दो दिन पहले। तो क्या तेरा मन नहीं कर रहा था खाने को? दो दिन पहले कर रहा था खाना। दो दिन पहले कर रहा था, लेकिन कुकर इतना खराब था, इसको उबलने में ही पूरा पूरा दिन लग गया। मैं आपको दिखाती हूँ कैसा उबला है। ये देखो गाइस, ये अब जाके उबला है।
ग्राइंड। ये मसाला मैंने तैयार कर रखा है, लहसुन धनिया जीरा वगैरह है, इसको ग्राइंड। तो गाइस ये रहा मेरा खाना जो मैंने डाइट चैलेंज लिया था वो कंटिन्यूटी में है बट मैं आज सोच रही हूँ आज मैं राजमा चावल खा लेती हूँ और मैं कल से अब जो मेरी डाइट है मैं इसको कंटिन्यू रखूँगी। ये बनाया चाय, हम लोगों ने खाना खाया और चाय पिया, अब जा रहे थोड़ा सा सोने रेस्ट करने, उसके बाद उठेंगे हम, फिर मैं सोचूंगी क्या करना है। और मेरे बाल बहुत ज़्यादा वाइट हो गए, मैंने एक वीडियो बनाया था SFX ओल्ड फेस का, मतलब बुढ़ापा जो कि मेरे में आ ही गया है, और मतलब मुझे उसे अच्छे से प्रेजेंट करना था तो मुझे बाल अपने वाइट करने पड़े। ऑलरेडी वाइट है मेरे बाल जी, ये जो दिख रहे हैं ना आपको ओरिजिनल वाइट है, जो हमने डुप्लीकेट वाइट किया था, नकली वाइट किया था, वो तो उड़ गए पूरी रात में कपड़ों में लग लग के, लेकिन ये सारे मेरे ओरिजिनल बाल हैं। तो मैं अब सोच रही हूँ कि इस पर मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करूँ, और मैं जो भी एक्सपेरिमेंट करूँगी अपने बालों पर वो उसका जो वीडियो है वो चैनल पर ज़रूर अपलोड करूँगी मैं। तो गाइज ये मेरा छोटा सा ब्लॉग है और इसको मैं आज यहीं ख़त्म करती हूँ, और बाय बाय एंड गुड नाइट। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में।